तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि वर्थ इट है कि नहीं है, जिसे हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो ये प्रोडक्ट है ब्रिस्टो का बैटरी रेजर। ये मुझे पड़ा था 389 का अमेजोन से लिया था। अगर आप लोकली खरीदेंगे तो ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, पर ऑनलाइन पे थोड़ा महंगा है ये। तो इसके साथ हमें मिलती है 2 इरेजर होल्डर्स और 10 2.3 mm की इरेजर और 12 5 mm की इरेजर रिफिल्स मिलती है और एक मिलता है होल्डर। तो सर इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास है एक बैटरी इरेजर और यहाँ पे है 10 2.3 mm की रिफिल्स और दूसरी है 5 mm की 12 रिफिल्स है यहाँ पे और 2 होल्डर्स दिए हैं। ये होल्डर्स रहते हैं जिस पे आप इरेजर फिट करके इनको चला सकते हैं। तो इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इसको आप परफेक्ट, जैसे आप कहीं पे हाईलाइट दे रहे हैं तो हेयर्स पे अगर आप कहीं हाईलाइट दे रहे हैं तो उस पर परफेक्ट तरीके से हाईलाइट दे सकते हैं। एक अच्छे तरीके से लाइन से इसमें आपको एकदम क्लियर लाइन से हाईलाइट मिलेगी और जितना चाहे आप उसको ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं प्रेशर इंक्रीज करके। तो इसको यूज कैसे करना है, क्योंकि ये चीज मोस्टली यूज हाईलाइट्स में होती है, जैसे हेयर्स हो गए या ज्वेलरी हो गई या लिप्स हो गए, आईज हो गए। तो वहां पे अगर ज्यादा ओपेसिटी में हाईलाइट चाहिए हमको, ज्यादा हमें लगना चाहिए कि वहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट आ रही है, बहुत ओपेसिटी है उस जगह पे, तो हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना आपको ज्यादा मूवमेंट करना है, बस प्रेशर अप्लाई करते जाना है धीरे धीरे। जब आप प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे तो ये अपने आप रोटेट होता ही रहेगा इसको दबाने से। तो ये रोटेट होगा, रोटेट होने के लिए आपको यहाँ पे सेल डालने होंगे। सबसे पहले सेल को आपको अलग से परचेज करना होगा क्योंकि इसमें पहले से सेल्स नहीं आते। तो यहाँ पे मेरे पास सेल है तो मैं इसको डाल लेता हूँ सेल में। तो यहाँ मैंने डाल दी। बात करी जाए इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की तो वो बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ से वो इवन खुलने भी लगा हल्का हल्का, शायद गिरने पे टूट भी जाए। तो इसको जितना हो सके सेफ जगह रखें, क्योंकि कॉस्टली भी है और इसका प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा भी गिरेगा तो टूट सकता है। तो मैंने इसमें बैटरी डाल दी है, अभी यहाँ पे इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये घूमने लगेगा, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसके अंदर एक छोटी सी मोटर फिट है, वही घूम रही है। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं एक पेपर लाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है, तो सबसे पहले इस पेपर में मैं चारकोल से सेट करता हूँ, चारकोल पेंसिल से। मैं दो बनाऊंगा, एक ब्लेंडेड बनाऊंगा और एक बिना ब्लेंडेड के, तो पता चले किसमें ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो रही है। और यहाँ पे मैं 2B यूज कर रहा हूँ और दूसरा मैं 10B आउटलाइन की 10B की पेंसिल यूज कर रहा हूँ। तो अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ब्लेंड कर देते हैं। तो अब इस बैटरी रेजर को टेस्ट करते हैं हम कि कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मुझे हल्का सा प्रेशर देना है इधर बटन पे, ये अपने आप रोटेट करेगी। ज़्यादा भी प्रेशर नहीं लगाना तो ये रुक जाती है, नहीं तो मोटर। तो काफ़ी अच्छे से इरेज तो हो रहा है, पर थोड़ा आपको स्टेबल रखना होगा इसको। तो अब ट्राई करते हैं 2B में। 2B में तो काफ़ी अच्छे से इरेज हुआ, ग्राफाइट में तो अच्छे से इरेज हो रहा है। तो अब ट्राई करते हैं 10B की पेंसिल में। तो ग्राफाइट में तो ये अच्छे से इरेज हो रहा है। अब चलिए ट्राई करते हैं ब्लेंडिंग एरिया पे, जैसे मैंने अभी चारकोल को ब्लेंड कर दिया था, तो इस पर ट्राई करते हैं। तो जैसे कि ब्लेंड चारकोल पे थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा है और वैसे ही ब्लेंड ग्राफाइट पे हम करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। और यही चीज़ हम पेंगुइन में करें तो
ब्लेंडेड ग्राफाइट में ये अच्छा काम करता है और चारकोल में थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा भी नहीं, पर जो इसका सबसे बेस्ट वर्क है वो ग्राफाइट में होता है। तो इसको अगर आप ग्राफाइट का वर्क करते हैं, ग्राफाइट पेंसिल का वर्क, तो इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। तो हम ट्राई करेंगे 2.3 mm की रिफ़िल के बारे रिफ़िल में। तो ये इसका होल्डर है, इसका होल्डर अलग रहता है क्योंकि जो पहले इसका जो होल्डर था वो थोड़ा बड़ा था, ये क्योंकि रेजर के जो रिफ़िल की साइज़ थी वो थोड़ी बड़ी थी, इसलिए इसका होल्डर दूसरा आता है। और इसका जो ये होल्डर है प्लास्टिक का है, इसलिए दो दिया है ये। इसको आपको इसमें डालना है, जितना आपको साइज़ रखना हो रिफ़िल की, उतने हिसाब से इसको डाल के इसके अंदर डाल देना है, इतना डालना है आपको। देन इसको तो कुछ ऐसी होगी, कुछ ऐसी तरीके से होगी। तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं हम इसमें। तो चारकोल पे एक लाइन बनी पर क्लियर बनी, तो चारकोल पे भी अच्छी काम करी ये 2.3 mm की पेंसिल। अब ग्राफाइट पर ट्राई करते हैं, ग्राफाइट पे भी अच्छे से वर्क कर रही है, 10 V पे थोड़ा वो हो रही है, अच्छे से वो नहीं कर रहा। अब ये चीज हम ब्लेंडिंग में ट्राई करते हैं, और दोनों का वर्क एकदम सेम है, बस पॉइंट का वो थोड़ा चेंज है कि जैसे आपको कुछ माइनर वर्क करना है, छोटी डिटेलिंग में काम करना है, तो ये रेजर काम का आएगी। अगर आपको इसको शार्प करना है, जैसे आपको इसको पॉइंटेड करनी है थोड़ी सी, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको लेना है और इस पर ऐसे इसको रब करते जाना है, जैसे ये शार्प हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये शार्प हो गई थोड़ी सी, तो ये शार्प पॉइंटेड हो गई है, पॉइंटेड कर दिया। अब इसको ट्राई करते हैं, काफी अच्छे से वो हो रही है, पॉइंट शार्प करने के बाद तो और अच्छे से काम कर रही है। मतलब जिस शेप में आपको उसको चलाना उस शेप में आप चला सकते हैं, जैसे ज्वेलरी वर्क हो गया या ग्लासेस में जो रिफ्लेक्शन पड़ती है छोटी छोटी, उस पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अब 3 इरेजर है। सबसे पहले टॉम्बो मोनोजीरो इरेजर, ये नॉर्मल इरेजर होती है, बस ये है कि इसकी रिफिल को आप अपने हिसाब से पॉइंट कर सकते हैं शेप, इसमें कोई मोटर नहीं होती, सिंपल होती है। फिर दूसरे में आती है ये बैटरी इरेजर, फिर तीसरे में आती है क्ले इरेजर। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा वर्क करेगा तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम 2B की लाइन लेते हैं, इसे शेड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ चेक करने के लिए कौन सा अच्छा वर्क करेगा सबसे। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, अब इसको ब्लेंड कर दूंगा मैं। तो यहाँ मैंने ब्लेंड कर दिया है, तो सबसे पहले यूज़ करेंगे हम टॉम्बो मोनोजीरो इरेजर। में आपको प्रेशर अच्छे से ज़्यादा लगाना पड़ता है, प्लस आपको रब करना पड़ेगा उसी एरिया को, एक बार में नहीं होगा ये, आपको ऐसे हल्का सा हल्का रब करना होगा तभी होगी। डॉट्स भी देख लेते हैं, डॉट्स कैसे बनेंगे, आपको हल्का हल्का ऐसे चलाना होगा। देन आप ट्राई करते हैं बैटरी इरेजर में, तो ये बैटरी इरेजर की मैंने ऐसे हल्के हल्के डॉट भी बना के देखे, तो काफी अच्छा काम किया। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ये क्लियर इरेजर, तो सबसे पहले इसका पॉइंट कर लूँ मैं, तो ये ऐसे तो ऐसे काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें अच्छे से वो नहीं हो पा रही लाइंस, इसमें लाइंस आप हाईलाइट नहीं दे सकते, पॉइंटेड अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंटेड में आप जितनी सी छोटी छोटी हाईलाइट दे सकते हैं इसमें, क्योंकि आपके ऊपर आप कितना इसको पॉइंटेड कर पाए, पॉइंट करके यूज़ कर पाए। पर जो ज़्यादा विजिबल हाईलाइट है वो मोनो ये बैटरी इरेजर की, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस प्रेशर देना, बाकी ये रोटेट अपने आप होता है एक जगह, ना आपको ऐसे रगड़ना ना कुछ, सिंपली आपको यहाँ प्रेस करना और यहाँ पे प्रेशर देना हल्का सा, फिर अप कर दे। तो आप बात करते हैं कि हम क्या आपको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या ये यूज़फुल है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल यूज़फुल है, और बिगनर के लिए मैं इसको नहीं कहूँगा कि अगर आप बिगनर है तो इसको खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं डिटेलिंग वर्क अच्छे से कर सकता हूँ और थोड़ी हेल्प और चाहिए, तो इसको यूज़ ज़रूर करिए। बाकी आप टॉम्बो मोनोजीरो इरेजर और ये क्ले इरेजर को यूज़ कर सकते हैं अगर बिगनर हैं आप। मैं नहीं प्रेफर करूँगा कि आप अगर बिगनर हैं तो इतना कॉस्टली चीज़ आप लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इन तीनों चीज़ों की मैं लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां से ख़रीद लें। और अगर आपको ये ऑफलाइन मिले ये तीनों चीज़ें, तो आप ऑफलाइन लें, क्योंकि ऑनलाइन में इनमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। ऑफलाइन आपको ये जिसकी जितना रेट है उतना ही रेट पे मिलेगा आपको, क्योंकि
क्योंकि अमेज़ॉन पर टैक्स लगता है, टैक्स और पैकेजिंग का, तो उसका चार्ज लगा देते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। आप ऑफलाइन लें अगर मिल रहा है तो, बाकी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी यूज़फुल लगी और किस चीज़ के बारे में और वीडियो बनाऊं, क्या क्या करना और किस किस बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।